हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नाउन फॉर्म कैसे बनाना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेक द नाउन फॉर्म, या फिर दिए गए सेंटेंस में किसी वर्ड को अंडरलाइन किया होता है एंड हमें कहा जाता है कि यही वर्ड को नाउन बना के फिर से एक बार वो सेंटेंस बना। तो भैया, बहुत सिंपल होता है नाउन बनाने के लिए। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी वर्ड का नाउन बनाते हैं तो वी यूज सफिक्स टू मेक द नाउन फॉर्म ऑफ इट। अब ऐसे कौन कौन से सफिक्स है जो हम नाउन बनाने के लिए यूज करते हैं? तो बहुत कॉमन होता है, जैसे कि सबसे पहला हम देखेंगे मेंट। सफिक्स M-E-N-T मेंट का यूज करके हम दिए गए वर्ड को नाउन बना सकते हैं, जैसे कि डेवलप, डेवलपमेंट। देखो फ्रेंड, जो भी वर्ड के एंड में M-E-N-T सफिक्स होगा, इट विल बी नाउन फॉर्म। या फिर सेकेंड सफिक्स है T-I-O-N। ये बहुत कॉमन सफिक्स है दोस्तों। बहुत बार हम जब किताब रीड करते हैं तो वी कम टू नो सच वर्ड्स, जैसे कि एग्जाम, एग्जामिनेशन। या फिर प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन। सो देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स विच वी मेक नाउन बाय यूजिंग सफिक्स T-I-O-N और M-E-N-T। बिसाइड दिस, इनके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि N-E-S-S। अगर किसी वर्ड के एंड में N-E-S होगा तो वो भी होगा नाउन फॉर्म, जैसे कि काइंड का नाउन फॉर्म बनेगा काइंडनेस। ठीक है, उसके बाद में TY अगर एंड में है तो भी वो नाउन ही कहलाएगा, जैसे कि ऑनेस्ट का नाउन फॉर्म बनेगा ऑनेस्टी। है ना दोस्तों, सिंपल। नाउन बनाना बहुत ही सिंपल है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को कौन सा सफिक्स हम लगा सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है S-I-O-N। सफिक्स S-I-O-N का भी बहुत यूज होता है, जैसे कि डिसाइड का नाउन फॉर्म बनेगा डिसीजन। दोस्तों, हमें करना क्या है कि हमें नोटबुक में ऐसे वर्ड्स लिख के रखना है ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा बहुत सारे सफिक्स है दोस्तों। तो चलो, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।